वेलकम टू माई चैनल। तो अभी जो आप लोगों ने देखा उसे स्टार्ट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को। सो पहले मैंने एक वॉच ग्लास लिया और उसमें जिंक पाउडर लिया है जो कि बेसिकली 6 ग्राम है। दूसरा मैंने सल्फर लिया है 3 ग्राम। अब इसको मैं दोनों को क्या करूँगा, आपस में मिक्स करूँगा और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों ही कंपाउंड को मैं आपस में मिक्स कर दूँगा। और जो सल्फर का पाउडर है, दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसको चलाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होने की पॉसिबिलिटी है इसमें। सो अभी तो ये कुछ नहीं हो रहा है। नो 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 नो। देखते हैं, वापस ट्राई करते हैं इसको। सो गाइज, हम इसको वापस जलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। एक चीज़ हमें पता चल चुकी है कि जिंक और सल्फर आपस में रिएक्शन होने के लिए बहुत ज़्यादा हीटिंग लगती है, तब ये जाके आपस में रिएक्शन करते। तो देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या है। जिंक एक्चुअली एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो सल्फर जो कि ऑक्सीडाइजिंग बट ये खुद रिड्यूस होकर जिंक का 2+ आयन ले लेता है जो कि बनाता है ZnS। तो जिंक प्लस सल्फर आपस में रिएक्ट करके ZnS क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो पूरा कंसेप्ट ये है कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और सल्फर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और फॉर्म करते हैं ZnS। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।